यूं लहराकर गिरने की कला शायद ही किसी और में है। फ्रेंच डांसर युआन बुर्जुआ ने इस तरह के वीडियो से शोहरत पाई है। वो सीढ़ियों से ट्रैम्पोलिन पर गिरते हैं और फिर उठते हैं। लयबद्ध तरीके से गिरने और उठने के इस हुनर में एक संदेश है। मुझे लगता है कि इस इंसान को हर कोई जानता है। एक मनुष्य के तौर पर मैं अनगिनत बार गिरा हूँ और फिर उठा हूँ, ज्यादातर लोगों की तरह। लेकिन इस नजाकत के साथ गिरने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। इसे यूं आसान दिखाना बहुत ही कठिन है, वहीं पर सारी मेहनत लगती है। शुरुआत में कई बार जब मैं ट्रैम्पोलिन पर गिरा तो बस यूं ही गिर गया, लेकिन पिछले सालों के दौरान मैंने सीन की प्रैक्टिस बार बार की है और इसे छोटे छोटे वीडियो में रिकॉर्ड किया है। मैंने महसूस किया कि कैसे गिरा जाए, इसकी अनंत संभावनाएं हैं और यही इसकी खूबसूरती है। युआन डांसर और कोरियोग्राफर हैं। उनकी शुरुआत ट्रैम्पोलिन पर महारत रखने वाले सर्कस के एक प्रशिक्षित एक्रोबैट कलाकार के तौर पर हुई। उनकी कोरियोग्राफी में अक्सर कुछ थीम दोहराए जाते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण हो सकता है, संतुलन, केंद्र से दूर जाता बल, जड़त्व या घर्षण, ये सारी प्रारंभिक ताकतें। और मेरी कोशिश रहती है कि कलाकारों के साथ मिलकर मैं एक संतुलन या कह लें समतुल्यता लाऊं। उनके बेमिसाल स्टाइल की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी मांग है। लुई विटों जैसे महंगे फैशन लेबल उन्हें अपने कार्यक्रमों और फैशन शो के लिए बुलाते हैं। पिंक और हैरी स्टाइल्स जैसे पॉप सितारों ने भी उन्हें अपने स्टेज परफॉर्मेंस और म्यूजिक वीडियो में काम करने के लिए बुलाया। युआन ने हैरी स्टाइल्स के लिए एज इट वॉज नाम का जो गीत कोरियोग्राफ किया उसके यूट्यूब पर 68 करोड़ व्यूज हैं और उसे कई अवार्ड भी मिले। पिंक की शख्सियत जबरदस्त है। हम दोनों ग्राहम नॉर्टन शो पर एक साथ गए थे। मैं उनकी मौजूदगी को कभी नहीं भूलूंगा। हैरी स्टाइल्स के बारे में मुझे हमेशा उनका मजाकिया स्वभाव याद आता है। हम लोग बड़े से घूमने वाले टेबल के साथ सीन कर रहे थे जो बहुत तेजी के साथ घूम रहा था और मैं देख सकता था कि वो उसका कितना मजा लूट रहे थे। अपने ताजा प्रोडक्शन के लिए युआन एक फ्रेंच कंडक्टर लोरेंस इकिल्बे के साथ काम कर रहे हैं। एक क्वायर, एक ऑर्केस्ट्रा और 8 डांसर। पेरिस के नजदीक एक कल्चर सेंटर में वे मोत्सार्ट के अधूरे रेक्वीम का मंचन कर रहे हैं। ये शो देखने वालों को भावुक कर देता है। मुझे अच्छा लगा जैसे उन्होंने मौत के थीम को दिखाया। आमतौर पर आधुनिक डांस में मेरी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे ये बहुत पसंद आया। ये मुझे अच्छा और प्रेरक लगा। ये रैंप मुझे बहुत डरावना लगा। ये वाकई तारीफ के काबिल है, जैसे डांसर उससे नीचे गिरकर कॉयर की तरफ जा रहे थे, एक के बाद एक। बहुत बढ़िया रहा। युआन बुर्जुआ अपने अगले अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट की तैयारी में लग गए हैं। इस बार वो मंच पर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे कोरियोग्राफर, सीनोग्राफर और आर्टिस्टिक डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी तरह गिरने और खुद को वापस उठाने की महारत अब भी किसी ने हासिल नहीं की है।